दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब आज के बजाय 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। भारत राष्ट्रीय समिति की नेता कविता कल देर शाम तक नई दिल्ली पहुंच गई थी। दरअसल तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के एमबीबीएस कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की। इस मामले में अभी तक साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज ईडी के अधिकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। इसके लिए अफसरों की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची है। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। 3 दिन सवाल जवाब का सिलसिला चल सकता है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच उनके ट्विटर अकाउंट से स्कूलों को लेकर कल एक ट्वीट किया गया है। सिसोदिया ने ट्विटर अकाउंट से लिखा था, आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके अकाउंट से ये पहला ट्वीट किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ विकास सारथी हैं। विकास, अभी तक का क्या अपडेट है, क्योंकि हमने मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है वो ट्वीट स्कूल के बारे में है। हालांकि हम सभी जानते हैं ये जो एक बात की जा रही है शिक्षा को लेकर, तमाम जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं, ये दो अलग अलग मामले हैं। शिक्षा का मामला अलग है, वो शिक्षा मंत्री भी थे तो वो आबकारी मंत्री भी थे, और ये पूरा मामला आबकारी नीति के इर्द गिर्द के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का है। जी ऋतु, दूसरे दौर की पूछताछ ईडी कर रही है मनीष सिसोदिया से, और अगर पहले दिन जो पूछताछ थी वो कई घंटों तक चली थी, लगभग 6 घंटे पूछताछ की थी ईडी ने, और आज भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये पूछताछ लगभग शाम को 5-5:30 तक चलेगी, क्योंकि ईडी के पास लंबी एक लिस्ट है सवालों की, और मनीष सिसोदिया से वो कुछ खास चीजों के बारे में पूछताछ कर रही है, खासतौर से कि उन्होंने अपने पुराने फोन जो थे उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया, उनके सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए गए जो पुराने फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जाहिर है कि ईडी मनी ट्रेल के लिए पूछताछ कर रही है कि जो कंपनियों से जो पैसा आया है वो किस तरह से, कहां कहां, किन किन लोगों को गया है, क्योंकि अगर आप इस पूरे स्कैम की बात करें तो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक इसमें कई कंपनियां और कई लोग शामिल हैं। जहां तक पूछताछ की बात है, ईडी अगर ये आज की पूछताछ जब पूरी हो जाती है उसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए दिक्कत ये हो सकती है कि कल उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करके आदेश दे सकता है, और अब ईडी जब 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है, ईडी कस्टडी में लेकर के भी पूछताछ कर सकती है मनीष सिसोदिया से। ऐसे में उनकी रिहाई, उनके हिरासत से उनकी रिहाई होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। जहां तक उनके ट्वीट की बात करें तो इस ट्वीट का इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो पूरा मामला है वो आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ ये कहना कि स्कूल खोले जाने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलती हैं। अगर यही स्कैम स्कूल भवनों के निर्माण को लेकर के या किसी और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हुआ होता तो भी क्या यही डिफेंस होता कि स्कूल खोले जा रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मामला आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, उनके दोनों मंत्रालयों का काम बिल्कुल अलग अलग है, और इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं है, कई सारे सरकारी अधिकारी हैं, कंपनियां हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं,
यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं तेलंगाना से खास तौर पे, उनसे भी उनके भी नाम है इस पूरी जांच में, और उनसे भी केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कुछ लोगों से कर चुकी है और आगे आने वाले समय में और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। तो मनीष सिसोदिया से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है सुबह से ही, और शाम तक ये पूछताछ चलने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरे अपडेट के लिए।